हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। सो डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस अगर आप हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिल जाएंगे जो कि डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। इवन आपके जो सराउंडिंग्स में बहुत सारे पर्सन होंगे जो कि डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होंगे। सो डायबिटीज़ मेलाइटस, इस वीडियो में मैंने डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स क्या हैं, उनके कोजेज, साइन एंड सिम्टम्स एंड पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो कि पार्ट टू होगा, उसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ पढ़ेंगे, जो कि अलग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। सो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डायबिटीज़? सो दिस इज़ अ पार्ट वन, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ क्या होता है? तो डायबिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस। सो ये फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। सो डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीजेज। सबसे पहले ये क्या है? मेटाबॉलिक डिसीज़ है। मेटाबॉलिक डिसीज़ क्या होता है? जिसमें हमारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या है? फूड का, जो भी हम फूड लेते हैं उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना ऑन द सेल्यूलर लेवल, सेल्स के लेवल पर। सो अगर फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, तो तब हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसीज, मीन्स नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस। तो डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसीज है, जिसमें क्या होता है, करेक्टराइज बाय हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। सो इसमें क्या हो जाता है, ब्लड में, हमारे ब्लड में हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है उसका लेवल हाई हो जाता है। ग्लूकोज क्या है? नॉर्मल शुगर। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है सबसे पहले। सो ये जो कंडीशन है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइपर मीन्स हाई, ग्लाइसी मीन्स ग्लूकोज एंड ईमिया मीन्स ब्लड, हाइपर ग्लाइसीमिया। नाउ ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज क्या है? ब्लड शुगर। इसको सिंपली हम ब्लड शुगर भी बोल देते हैं, कहते हैं ना कि पेशेंट का जो शुगर है वो हाई है, तो इसको सिंपली ब्लड शुगर भी बोलते हैं या फिर ग्लूकोज बोलते हैं, जो कि मेन शुगर है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो ये मेन शुगर है जो हमारे ब्लड में होता है, ये कहाँ से आता है? फूड, जो भी हम फूड खाते हैं, इट कम्स फ्रॉम द फूड यू ईट एंड इज़ योर बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी का मेन सोर्स है एनर्जी का। अब यहां पर ये जो वर्ड आया था, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? मेन शुगर है हमारी बॉडी का और ये मेन सोर्स है हमारी एनर्जी का। अब आगे पढ़ते हैं रिजल्ट्स फ्रॉम, अब ऐसा क्यों होता है कि ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है? रिजल्ट्स फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन। यहाँ क्या होता है? इंसुलिन के बनने में डिफेक्ट आ जाता है। अब इंसुलिन क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। जो इंसुलिन है वो सिक्रीट नहीं होता, सिक्रीट नहीं होता मीन्स बनता ही नहीं है, या फिर इंसुलिन एक्शन, या फिर इंसुलिन का जो एक्शन है, इंसुलिन अच्छे से एक्ट नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, या फिर बोथ, या फिर दोनों, या तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा और या फिर इंसुलिन वर्क नहीं कर रहा, या फिर दोनों। तो ये इसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो ये अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने ये डेफिनेशन दी है डायबिटीज मेलाइटस की। अब पढ़ लेते हैं कि इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है, हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियाज, और ये कौन प्रोड्यूस करता है? पैंक्रियाज। तो ये है ना पैंक्रियाज, सो ये पैंक्रियाज इंसुलिन को बनाता है। पैंक्रियाज से भी कहाँ से इंसुलिन बनता है? बीटा सेल्स, जो बीटा सेल्स हैं पैंक्रियाज के, ऐसे इसको डिनोट करते हैं हम, बीटा सेल। इंसुलिन पैंक्रियाज के बीटा सेल से बनता है और ये क्या करता है? कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। अब जो हमने फूड लिया, अब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, और ये जो है ग्लूकोज के लेवल जो है ब्लड में, जो ग्लूकोज का लेवल है, इंसुलिन उसको कंट्रोल करता है। कैसे करता है? बाय रेगुलेटिंग द
प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज. इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन और उसको स्टोर कर देता है. जितना चाहिए उतना तो सेल्स को मिल जाता है और जितना नहीं चाहिए वो ये स्टोर कर देता है इंसुलिन हार्मोन. अब इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इज रिलीज्ड व्हेन यू हैव जस्ट ईटन अ मील. जैसे ही आप खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी से इंसुलिन रिलीज होने लग जाता है, पैंक्रियास से इंसुलिन बनने लग जाता है और रिलीज होने लग जाता है. एंड द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड स्ट्रीम इज हाई. अब क्या है, जैसे ही हमने खाना खाया तो ब्लड, सपोज ये ब्लड है, ब्लड में क्या है, जो ग्लूकोज का लेवल है वो हाई है जैसे ही हमने खाना खाया. तो खाना खाते ही पैंक्रिया से क्या है, इंसुलिन बनने लग जाता है और रिलीज होने लग जाता है. अब इंसुलिन क्या करता है, इट वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स. सो अब पैंक्रियास को पता लग गया कि हमने अभी खाना खाया है और ब्लड में क्या है, इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल हाई है, तो इंसुलिन बनने लग जाता है पैंक्रियास से और सिक्रीट होने लग जाता है. अब ये इंसुलिन कैसा काम करता है, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये चाबी बनी हुई है, की बनी हुई है. तो इंसुलिन एक की तरह काम करता है और जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं बहुत सारे, जहाँ पर इंसुलिन जाके अटैच हो जाता है. तो रिसेप्टर कैसा है, जैसे कि ये ताला लगा हुआ है. तो इस ताले में, इस लॉक में जो इंसुलिन है वो की का काम करता है. जब ये की इस ताले में लगेगी तभी वो सेल का जो दरवाजा है वो खुलेगा और जो ग्लूकोज है, मीन्स जो ब्लड का शुगर है, वो सेल के अंदर जाएगा. तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे ही हमने खाया, ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो हाई होता है, तो ये ब्लड शुगर है. तो इंसुलिन रिलीज होने लग जाती है, इंसुलिन बनने लग जाती है पैंक्रिया से और रिलीज होने लग जाती है. इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है, की तरह काम करता है, और जो हमारे सेल्स हैं उसके ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसुलिन को रिसीव करते हैं. तो आप ये बोल सकते हैं कि सेल्स के ऊपर बहुत सारे ताले होते हैं जिनके बीच में इंसुलिन ने फिट होना है और इंसुलिन ने उस लॉक में जाकर लगना है और सेल का जो डोर है वो ब्लड शुगर मीन्स ग्लूकोज के लिए ओपन हो जाना है. तो नॉर्मली ऐसे होता है कि इंसुलिन सेल्स के ऊपर जाकर अटैच हो जाती है और सेल का जो डोर है वो खुल जाता है, किसके लिए, ब्लड शुगर के लिए मीन्स ग्लूकोज के लिए, और सेल के अंदर ग्लूकोज चला जाता है और जो ब्लड है उसमें दोबारा से ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है, मीन्स हाई से कम हो जाता है. तो इस तरह से नॉर्मली हमारी बॉडी में होता है, जो सेल को जितना ग्लूकोज चाहिए था वो एनर्जी के लिए यूज कर लेता है और बाकी का हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जैसे कि लीवर में और मसल्स में स्टोर हो जाता है. तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंसुलिन क्या करता है, इट वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स. तो ये ग्लूकोज का अपटेक सेल में स्टिमुलेट कर देता है ताकि सेल में ग्लूकोज अपटेक हो जाए, अंदर चला जाए सेल में और एनर्जी की तरह यूज हो. लोअरिंग योर ब्लड शुगर लेवल, और ब्लड शुगर लेवल फिर लोअर हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है. योर लीवर एंड मसल सेल्स कैन टेक अप ग्लूकोज ईदर फॉर इमीडिएट एनर्जी. जो हमारे लीवर और मसल सेल्स हैं, या तो इमीडिएट एनर्जी के लिए यूज कर लेते हैं ग्लूकोज को, मीन्स जितना ग्लूकोज चाहिए उतना ग्लूकोज अंदर चला जाएगा, सेल्स को जितना ग्लूकोज चाहिए तो इमीडिएट एनर्जी सेल्स को मिल जाती है हमारी बॉडी के, या फिर ओर टू बी स्टोर्ड एज, या फिर बाकी का जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है. और वो स्टोर किसके फॉर्म में होता है, ये ध्यान देने वाली बात है, वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में. तो ये जो ग्लूकोज है लीवर में और मसल सेल्स में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है अंटिल इट इज नीडेड. और जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो ये जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हुआ है, ये दोबारा से ग्लाइकोजन ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज हो जाता है. और ये कैसे चेंज होता है, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागन हार्मोन, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन है. एक हार्मोन तो है इंसुलिन जो कि पैंक्रिया से सिक्रीट होता है, एक हार्मोन है ग्लूकागन. इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और स्टोर होने में हेल्प करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में. ग्लूकागन क्या है, जब ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है तब ये ग्लूकागन रिलीज होता है, किससे, पैंक्रिया से ही रिलीज होता है, लेकिन
कहां से? बीटा सेल से नहीं, अल्फा सेल से। कौन से? अल्फा सेल से। तो ये इस तरह से होता है, मैं आपको अब समझाती हूँ। ये यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। अभी हमने क्या किया? खाना खाया है। अभी खाना खाया तो हमारा ब्लड शुगर क्या है? हाई है। हाई ब्लड शुगर किसको स्टिमुलेट करता है? इंसुलिन रिलीज को स्टिमुलेट, इंसुलिन रिलीज। तो पैंक्रिया से क्या होगा? इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा बीटा सेल से। सो ये देखो, पैंक्रिया से इंसुलिन रिलीज हो गया। अब जो ब्लड में हाई ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर का क्या मतलब है? ग्लूकोज। सो हाई ग्लूकोज क्या करेगा? इंसुलिन सेल्स के साथ अटैच होकर सेल्स का जो डोर है वो ग्लूकोज के लिए ओपन कर देगा। अब ग्लूकोज क्या है? सेल्स के अंदर चला जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में यूज हो जाएगा। मीन्स स्टिमुलेट्स, इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड। तो टिश्यू सेल्स ने जो ग्लूकोज है वो ले लिया एनर्जी की फॉर्म में, और जो हमारा ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो दोबारा से नॉर्मल हो गया या फिर लो हो गया। अब जितना सेल्स को ग्लूकोज चाहिए था वो तो उससे एनर्जी की फॉर्म में यूज कर लिया, लेकिन कुछ ग्लूकोज अब भी बच गया। तो ये ग्लूकोज कहाँ पर जाएगा? ये ब्लड में नहीं रहेगा। ये ग्लूकोज कहाँ पे चला जाएगा? स्टोर हो जाएगा हमारे लीवर में और मसल सेल्स में। तो हमारे लीवर और मसल सेल्स में ये स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो अब आप समझ रहे हैं, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को एक तो सेल्स में ताकि ग्लूकोज यूज हो जाए, सेल्स को ग्लूकोज पहुंच जाए एनर्जी के फॉर्म में, उसमें हेल्प करता है। और जितना बच जाता है इंसुलिन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और ये ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, जो कि लीवर या फिर मसल सेल्स में स्टोर हो जाती है। अब कई बार क्या होता है कि आपने काफी दिन से खाया नहीं, सपोज आपका फास्ट है तो आपने पूरे दिन से खाया नहीं, या फिर आपको भूख लगी है, आप स्टार्विंग कर रहे हैं, स्टार्वेशन पर हैं, तो क्या होगा? अब आपकी बॉडी को दोबारा से ग्लूकोज चाहिए। तो यही वाला जो ग्लूकोज है, जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गया था, ये दोबारा से क्या होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा? अब क्या होगा कि ये जो ग्लूकागन हार्मोन है, जो कि अल्फा सेल से सिक्रीट होता है पैंक्रियास के, ये ग्लूकागन हार्मोन ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जब भी हमारी बॉडी को लगता है कि उसको बाहर से ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो ये ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे बॉडी सेल्स को मिल जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है। सो डायबिटीज मेलाइटस क्या है? डायबिटीज मेलाइटस ऐसी कंडीशन है जिसमें या तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता पैंक्रिया से, या फिर इंसुलिन इस सेल के ऊपर एक्ट नहीं करता, या फिर इंसुलिन ये जो चाबी है इस ताले पे लग नहीं पाती, या फिर ये हो सकता है, या फिर पैंक्रियाज से किसी वजह से इंसुलिन बन ही नहीं रहा। तो इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन एक्शन दोनों में से कोई एक चीज अगर हो तो भी डायबिटीज मेलाइटस है, और दोनों हो तो भी डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा? ग्लूकोज जो है सेल्स के पास नहीं जाएगा और ब्लड में ही पड़ा रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा? ब्लड शुगर हाई हो जाएगा। सो दिस इज डायबिटीज मेलाइटस। एक और कंडीशन है हाइपरग्लाइसीमिया। सो जैसे कि मैंने बताया, डायबिटीज मेलाइटस क्या है? हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, जिसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और ये हाइपरग्लाइसीमिया हम कब बोलते हैं? यूजुअली जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल यूजुअली अबव 180 to 200 mg/dL होता है। 180 to 200 mg/dL/dL। सो चलिए आगे चलते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। कितने टाइप का होता है डायबिटीज मेलाइटस? सो डायबिटीज होता है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। सो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज इंपॉर्टेंट है, जेस्टेशनल डायबिटीज भी इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम पर ये डायबिटीज होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है। सो टाइप 1 डायबिटीज को पहले इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते थे, अब नहीं बोलते। अब क्यों नहीं बोलते? अभी हम पढ़ते हैं टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में आपने अब ये ध्यान से सुनना है कि टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज में योर बॉडी डज नॉट मेक इंसुलिन। सो टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती,
मतलब कि जो हमारा पैंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बनाता, पैंक्रियाज के बीटा सेल्स। इट मींस पैंक्रियाज के बीटा सेल्स में कोई प्रॉब्लम है जिससे इंसुलिन नहीं बन रहा बॉडी में। तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बनती। ये क्या है, बहुत रेयर होता है, 1 in 10 पीपल, 10 में से 1 लोग को टाइप 1 डायबिटीज होता है। और टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली किस में होता है, चिल्ड्रन और यंग एडल्ट में। यूजुअली ये किस में होता है, आमतौर पर ये चिल्ड्रन बच्चों में और यंग एडल्ट मीन्स यंग्स में, जवानों में पाया जाता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज जो है बूढ़े लोगों में या फिर जो ओल्डर एडल्ट हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो टाइप 1 डायबिटीज जवानों में होता है और यंग एडल्ट में होता है। इसका कारण क्या है, इसका कोज क्या है, यूजुअली जेनेटिक और ऑटो इम्यून। टाइप 1 यूजुअली जेनेटिक होता है और ऑटो इम्यून होता है, मीन्स जीन्स के कारण होता है, जीन्स में कोई डिफेक्ट के कारण होता है या फिर ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब है, ऑटो इम्यून होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी होता है जब हमारे जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। लेकिन ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशंस क्या होता है कि जो हमारे फाइट करने वाले सेल्स हैं वो बाहर के फॉरेन इन्फेक्शन से ना फाइट करके हमारे अपने ही सेल्स के साथ फाइट करने लग जाते हैं, हमारे अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक करने लग जाते हैं और हमारे अपने ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज क्या है, जेनेटिक या फिर ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशन है। सो टाइप 1 डायबिटीज में यूजुअली जो आमतौर पर जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती हैं वो यूजुअली पतले होते हैं, थिन होते हैं, ना कि मोटे। और टाइप 1 डायबिटीज लाइफस्टाइल पर डिपेंड नहीं करती, यूजुअली ये लाइफस्टाइल पर डिपेंड नहीं करती। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा भी है, अगर आप हेल्दी भी हैं, फिट भी हैं, तब भी आपको टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनती इसलिए इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन। तो बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज को पहले इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते थे, लेकिन अब इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस नहीं बोलते, IDDM नहीं बोलते, क्योंकि ट्रीटमेंट के बेस पे हम क्लासिफिकेशन नहीं दे सकते, इसलिए अब इसको सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टाइप 2 डायबिटीज पर। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, योर बॉडी सेल्स कांट यूज द इंसुलिन इट मेक्स। अब टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बन रहा है, बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, पैंक्रियास इंसुलिन बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के लिए, सो ये है इंसुलिन। इंसुलिन तो बन रहा है, टाइप 1 में इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो सेल्स को इंसुलिन कहाँ से मिलेगा, सेल्स तो वेट कर रहे हैं इंसुलिन का लेकिन इंसुलिन तो है ही नहीं। टाइप 2 में इंसुलिन तो है, इंसुलिन तो बना रहा है पेंक्रियाज, लेकिन जो सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन को रिसीव नहीं कर रहे। इंसुलिन तो चाहता है कि सेल के ऊपर अटैच हो जाए और सेल का डोर खोल दे ग्लूकोज के लिए, लेकिन सेल्स ही इंसुलिन को नहीं ले रहे, सेल्स इंसुलिन को रिसीव ही नहीं कर रहे। सेल्स में कोई प्रॉब्लम है, रिसेप्टर्स में कोई प्रॉब्लम है, सेल्स मीन्स हमारी जो बॉडी है वो ही इंसुलिन को रिसीव नहीं कर रही। तो इस केस में क्या है, इंसुलिन बन रहा है टाइप 2 डायबिटीज में, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स इंसुलिन को नहीं ले रही इसलिए इसको इंसुलिन रेजिस्टेंट भी बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज को इंसुलिन रेजिस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये मेन रीजन है टाइप 2 डायबिटीज का। अगर इंसुलिन बनेगी लेकिन सेल्स पे अटैच होकर सेल का डोर नहीं खुलेगा ग्लूकोज के लिए, तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही पड़ा रहेगा, सेल के अंदर तो जाएगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। तो मेन रीजन टाइप 2 डायबिटीज में ये होता है कि इंसुलिन तो बनती है लेकिन हमारी बॉडी इंसुलिन को रिसीव नहीं कर रही, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है, जो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को यूज ही नहीं कर पा रहे। या फिर इंसुलिन बन रही है लेकिन इनफ अमाउंट में नहीं बन रही और डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन। सो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन बनती ही नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बनती है या फिर इनफ इंसुलिन नहीं बनती, या फिर अगर इंसुलिन बन भी रही है प्रॉपर तो जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को यूज ही नहीं कर रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज जो है ज्यादातर लोगों में पाई जाती है, तो 10 में से 9
लोगों को, 10 out of 9 पीपल को क्या है, Type 2 डायबिटीज है। अब इसमें क्या होता है, इट ऑफन अकर्स लेटर इन अ क्लाइंट्स लाइफ ड्यू टू ओबेसिटी, इनएक्टिविटी एंड हेरिडिटी। तो Type 2 डायबिटीज क्या है, ये हेरिडिटी भी है, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन भी चलती है। इट अकर्स लेटर इन क्लाइंट्स लाइफ, ये क्या है, लेटर होती है, ये बच्चों या फिर जवानों में नहीं होती, यंग में नहीं होती, ये मोस्टली लेटर लाइफ में होती है, 40s के बाद, 45, 50, तो इसके बाद ओल्डर एडल्ट्स में ये चलती है। इसमें क्या होता है, बच्चों को भी ये हो सकती है, ऐसा नहीं है कि Type 2 डायबिटीज बच्चों को नहीं हो सकती। आजकल ऐसा पाया जा रहा है कि बच्चों में भी Type 2 डायबिटीज हो रही है, यंग में भी हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वो ओबेसिटी है, ओवरवेट है, मोटापा है उनमें, उनका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहना है, एक्टिविटी नहीं है, इनएक्टिविटी है, या फिर वो ऐसा फूड खा रहे हैं जिनसे कैलोरीज ज़्यादा हो रही है बॉडी में, ओबेसिटी बढ़ रही है, फैट एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, तो बच्चों पे भी हो सकती है। लेकिन Type 2 डायबिटीज किस पर डिपेंड करती है, सबसे पहले ओबेसिटी पे, आप ओवरवेट हैं तो आपको Type 2 डायबिटीज हो सकती है। इनएक्टिविटी पे, अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है, आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बैठे रहते हैं, ज़्यादा मोटापा हो रहा है बैठे रहने से, या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिव नहीं है, एक्सरसाइज आप नहीं करते, आपका फूड ऐसा है जो आपको सिडेंट्री लाइफस्टाइल बना रहा है, आपका ओबेस बना रहा है आपको, तो ये बेसिकली क्लाइंट के लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। Type 2 डायबिटीज पर्सन के लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है, वेयर एज जो Type 1 डायबिटीज है वो लाइफस्टाइल पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। Type 1 डायबिटीज फिट लोगों में भी हो सकती है। तो अब चलते हैं, क्योंकि Type 2 डायबिटीज में जो ट्रीटमेंट है वो यूजुअली ओरल मेडिकेशन होता है, मीन्स जो ओरल ड्रग्स होते हैं, ओरल दवाइयाँ जो होती हैं Type 2 डायबिटीज में, वो हम देते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन भी कई बार देना पड़ जाता है। अगर इंसुलिन इनफ नहीं बन रहा बॉडी में तो हमको इंसुलिन भी देना पड़ता है, इसलिए अब Type 2 डायबिटीज को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस नहीं बोलते, अब सिर्फ Type 2 डायबिटीज बोलते हैं। थर्ड आता है जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल मीन्स प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी डायबिटीज हो सकती है। ये जो डायबिटीज है वो Type 2 डायबिटीज जैसा ही होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज में ये रिस्क होता है कि ये आपके जो बेबी है उसको भी डायबिटीज हो सकती है। इसका कई आमतौर पर क्या होता है जेस्टेशनल डायबिटीज में, जैसे ही मदर बेबी को डिलीवर कर देती है तो उसके जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल हो जाती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं चार्ट पर कि डिफरेंट लेवल्स क्या हैं डायबिटीज़ के। इसमें आता है नॉर्मल, प्री डायबिटीज़ और फिर डायबिटीज़। नॉर्मल का जो लेवल है वो डायबिटीज़ का, मीन्स जो ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल है ब्लड ब्लड में, वो क्या होता है, सो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड है, ये क्या है, फास्टिंग ब्लड शुगर मैं आपको बता रही हूँ, 99 mg/dL और बिलो या फिर इससे कम। प्री डायबिटीज एक कंडीशन है जिससे अगर आपका इतना ब्लड ग्लूकोज लेवल है फास्टिंग में तो आपको डायबिटीज होने का रिस्क है। तो प्री डायबिटीज क्या है, 100 to 125 mg/dL। डायबिटीज में कितना होता है, 126 mg/dL या फिर इससे ज्यादा और अबव। ये है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लेवल्स और ये है HbA1c टेस्ट के लेवल्स। नेक्स्ट चलते हैं अब डिटेल में Type 1 डायबिटीज पे। Type 1 डायबिटीज क्या होता है, इन Type 1 डायबिटीज बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास डज नॉट मेक इंसुलिन, ये मैंने आपको पहले बता दिया, इंसुलिन नहीं बनाता। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो कि आपको ध्यान से सुननी है, अलग से टॉपिक भी आ सकता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द टोटल सीजेशन ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन, क्योंकि Type 1 में इंसुलिन बन ही नहीं रहा, पूरा ही नहीं बन रहा Type 1 में, तो टोटल सीजेशन मींस इंसुलिन का बनना जो है पूरी तरह से बंद होने के कारण क्या होता है, द बॉडी ब्रेक डाउन फैट एंड प्रोटीन एज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सेल्युलर एनर्जी। अब बॉडी को पता है कि हमारी बॉडी जो है, हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना रहा, तो ग्लूकोज तो ब्लड में पड़ा हुआ है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है, बॉडी को पता है कि इंसुलिन तो पैंक्रियास के पास है ही नहीं, तो ग्लूकोज किसी भी हाल में एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा और सेल्स जो हैं ग्लूकोज को नहीं ले पाएंगे। तो बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को एनर्जी के
तरह लेने की बजाय वो क्या कर लेती है, फैट्स और प्रोटीन्स को एनर्जी की तरह लेने लग जाती है। तो बॉडी क्या करती है, ब्रेक डाउन, फैट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने लग जाती है एज ऑल्टरनेटिव सेलुलर सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ फैट, इस कंडीशन को बोलते हैं लिपोलाइसिस। लिपो मीन्स लिपिड और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो फैट का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, रिजल्ट्स इन एक्युमुलेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड केटोन्स। सो लिपोलाइसिस मीन्स फैट के ब्रेक डाउन के कारण फैटी एसिड्स और कीटोन्स बनने लग जाते हैं। ये क्या है, एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स और कीटोन्स। तो कीटोन्स क्या है, ये मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट है फैट मेटाबॉलिज्म का। जब भी फैट मेटाबॉलिज्म होगा तो बाय प्रोडक्ट मीन्स जो वेस्ट है वो क्या है, फैटी एसिड्स और कीटोन्स। तो ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि एक एमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर ऐसा होता है तो यूरिन में कीटोन का लेवल हाई होगा। यूरिन में जो कीटोन्स का लेवल है वो पॉजिटिव होगा, यूरिन में कीटोन्स होने नहीं चाहिए। लेकिन डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज में कीटोन का लेवल यूरिन में पॉजिटिव हो सकता है, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लाइफ थ्रेटनिंग और एमरजेंसी कंडीशन है। व्हेन कीटोन्स एक्युमुलेट इन द ब्लड, पर्सन विद डायबिटीज आर प्रोन टू डेवलपिंग अ फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस नोन एज कीटोएसिडोसिस। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इस कंडीशन में कीटोन्स हमारी बॉडी में डेवलप होती हैं, बनते हैं, फैटी एसिड्स डेवलप होते हैं, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कीटोएसिडोसिस। इन टाइप 1 डायबिटीज कीटोएसिडोसिस डेवलप क्वाइट सडनली, जल्दी से बनता है, सडनली बनता है, बिकॉज ऑफ टोटल सेसेशन ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। अब चलते हैं कोजेस पर, टाइप 1 डायबिटीज के क्या कोजेस हैं। सो मैंने बताया था आपको ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक म्यूटेशन, एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, जेनेटिक चेंज के कारण क्या होता है कि जो हमारे टी सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स लिम्फोसाइट्स क्या हैं, जो कि यूजली इन्फेक्शन के साथ फाइट करते हैं, ये क्या करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज में ये क्या करने लग जाते हैं, टू अटैक एंड डिस्ट्रॉय द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग आइलेट सेल। तो ये जो बीटा सेल्स है पैंक्रियास के, उस पर ही अटैक करने लग जाते हैं और उनको, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है। या फिर कुछ फैमिली हिस्ट्री के कारण भी टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, या फिर कुछ वायरसेस भी टाइप 1 डायबिटीज को अंजाम दे सकते हैं, उससे भी टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। और ये क्या, लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं होता। सिम्टम्स इसके क्या है, प्यास ज्यादा लगती है, इंक्रीज थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज यूरिन, एक्सट्रीम हंगर, ज्यादा भूख लगना। तो ये तीन मेन सिम्टम्स तो हैं ही हैं डायबिटीज के, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेशिया। अनइंटेंडेड वेट लॉस, टाइप 1 डायबिटीज में आप याद रखना क्या होगा, अनइंटेंडेड वेट लॉस, वेट लॉस होगा, मोटापा नहीं होगा, वेट लॉस होगा। फैटीग, थकावट होना और वीकनेस होना। ट्रीटमेंट इसका क्या है, इंसुलिन लेना, टेकिंग इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन हमारी बॉडी में बन नहीं रहा तो बाहर से देना पड़ेगा। अब चलते हैं टाइप 2 डायबिटीज पर। टाइप 2 डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो आप अपने, अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं और उनका ब्लड शुगर लेवल हाई है, तो आप यूरिन में कीटोन्स का लेवल ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर यूरिन में कीटोन्स का लेवल पॉजिटिव है तो ये एक एमरजेंसी कंडीशन है। देन है टाइप 2 डायबिटिक। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, योर बॉडी सेल्स कांट यूज द इंसुलिन इट मेक्स। अब इसमें क्या है, टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बन रही है, लेकिन जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रहे हैं, इंसुलिन को रिसीव नहीं कर पा रहे, इंसुलिन जो है सेल्स के रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच नहीं हो पा रही, और जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जा नहीं पा रहा, इंसुलिन तो बन रही है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट भी बोलते हैं, और डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंसुलिन इनफ नहीं बन रही है, इतनी नहीं बन रही कि वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स के पास जा सके, जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को एनर्जी की फॉर्म में ले सके प्रॉपरली। अब जो टाइप 2 डायबिटिक है, एडल्ट ऑनसेट होती है, एडल्ट ऑनसेट होती है, जबकि जो टाइप 1 है वो क्या होती है, चिल्ड्रन और यंग एडल्ट में ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन ये एडल्ट ऑनसेट मीन्स लेटर इन लाइफ होती है, आफ्टर एडल्टहुड या फिर आफ्टर एडल्ट, जब आप ज़्यादा एज के होते हैं तब ये होती है। इट ऑफन अकर्स लेटर इन क्लाइंट्स लाइफ,
ये क्यों होती है? बेसिकली ओबेसिटी, मोटापा के कारण, ओवरवेट के कारण, इनएक्टिविटी, अगर आपका जो लाइफस्टाइल है वो इनएक्टिव है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हेरिडिटरी, जनरेशन टू जनरेशन भी चली आती है, जैसे कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, अगर मदर डायबिटिक है तो उसके बेबी को भी डायबिटीज़ हो सकती है इन फ्यूचर, बट कैन बिगेन ड्यूरिंग चाइल्डहुड विद ओबेसिटी। लेकिन क्या है, आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों में भी ये देखी जा रही है, बच्चों और यंग में भी ये देखी जा रही है, जिनका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट है, ओबेसिटी है, या फिर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा जो फास्ट फूड है वो खाते हैं बच्चे, कैलोरीज वाला फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे क्या है अल्टीमेटली ओबेसिटी बढ़ती है, और अगर इनएक्टिविटी है तो टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको क्लियर हो गया। अब इसमें क्या क्या कंडीशन आती है? फर्स्ट कंडीशन है हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर मीन्स ज़्यादा, इंसुलिन मीन्स इंसुलिन, नीमिया मीन्स ब्लड, हाइपर इंसुलिनीमिया। अब इसमें क्या होता है कि ये है हमारा पैंक्रियास, तो पैंक्रियास टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बना रहा है, ओके है, लेकिन जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को नहीं ले पा रहे, क्योंकि जो इंसुलिन है वो सेल्स जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिसीव नहीं कर रहे, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन होता क्या है, द पैंक्रियास सिक्रीज इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू ऑफसेट हाइपरग्लाइसीमिया, बट द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स हायर देन नॉर्मल। क्या होता है, पैंक्रियास को ऐसा लगता है कि ग्लूकोज ब्लड में अभी भी ज्यादा क्यों है, कि उसने इंसुलिन इनफ प्रोड्यूस नहीं किया, इनफ सिक्रीट नहीं किया, क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम तो किसकी है, सेल्स की है जो कि इंसुलिन को रिसीव नहीं कर रहा। लेकिन हमारी बॉडी को क्या लगता है कि जो पैंक्रियाज है उसने इंसुलिन को इनफ सिक्रीट नहीं किया, इसलिए ग्लूकोज अभी भी ब्लड में पड़ा हुआ है। टाइप 2 डायबिटीज में ये कंडीशन होती है, तो इसको ओवरकम करने के लिए पैंक्रियाज क्या करता है, और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट कर देता है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट कर देता है। तो इससे क्या कंडीशन होती है कि ब्लड में जो इंसुलिन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल तो है ही ज़्यादा, इंसुलिन का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। द पैंक्रिया सिक्रीज इंक्रीज लेवल्स ऑफ इंसुलिन इन टू द ब्लड स्ट्रीम, पैंक्रिया ज़्यादा लेवल इंसुलिन का सिक्रीट कर देता है टू ऑफसेट हाइपर ग्लाइसीमिया, मीन्स जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा है, हाइपर ग्लाइसीमिया, तो पैंक्रियाज को ऐसे लगता है कि उसने इनफ इंसुलिन सिक्रीट नहीं किया, इसलिए ग्लूकोज में अभी भी ब्लड का लेवल हाई है, ग्लूकोज का लेवल हाई है। सो इवेंचुअली क्या होता है, द ओवर स्टिमुलेटेड बीटा सेल्स, ये जो बीटा सेल्स हैं ये ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट कर देते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि इतना इंसुलिन सिक्रीट कर देते हैं कि ये भी थक जाते हैं, पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं वो भी थक जाते हैं, और वो भी थक के हार के खराब हो जाते हैं, वो अब वर्क करने के लायक नहीं रहते अच्छे से, जिससे क्या होता है रिजल्टिंग इन डिक्लाइन इन इंसुलिन प्रोडक्शन। एक बार तो इंसुलिन का लेवल इंक्रीज कर देंगे ब्लड में, और बाद में क्या करेंगे इंसुलिन का लेवल डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि अब तो वो थक गए हैं, अब वो ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना सकते, एग्जॉस्टेड हो गए हैं, उससे क्या होगा, एंड द क्लाइंट विद टाइप 2 डायबिटीज में ऑल्सो बिकम इंसुलिन डेफिशिएंट लाइक विद टाइप 1 डायबिटीज। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में क्या हो रहा था, इंसुलिन नहीं बन रहा था, बन रहा तो बहुत कम अमाउंट में बन रहा था, अब पैंक्रियाज टाइप 2 डायबिटीज में भी ये कंडीशन हो सकती है, अगर हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, अगर इंसुलिन ज़्यादा बनने लग जाता है पैंक्रियाटिक सेल से, फिर पैंक्रियास के जो सेल्स है वो थक जाएंगे, हार जाएंगे, और बाद में क्या होगा, बिल्कुल कम इंसुलिन सिक्रीट करने लग जाएंगे। तो ये कंडीशन क्या है, टाइप 2 डायबिटीज भी किस में कन्वर्ट हो सकती है, टाइप 1 की तरह बन सकती है फिर बाद में। नेक्स्ट कंडीशन आती है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 180 से 200 mg पर डीएल या फिर उससे भी ज़्यादा चला जाता है। नेक्स्ट आता है एक और कंडीशन है इम्पॉर्टेंट, हाइपर ओस्मोलर, ये इससे उससे उल्टी है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से, हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक नॉन किटोटिक सिंड्रोम, काफ़ी लंबा नाम है, HHNKS, ये टाइप 2 डायबिटीज में होता है। अब इसमें क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अबव 600 mg पर डीएल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, एक कंडीशन होती है HHNKS, हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक,
जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 600 mg/dL, याद रखना इस लेवल को 600 mg/dL से ज़्यादा हो जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स. इसमें फैट्स की ब्रेकडाउन नहीं होते टाइप 2 डायबिटीज़ में, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि इंसुलिन तो बन रहा है, इसलिए बॉडी में फैट की ब्रेकडाउन नहीं होगी. टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या हुआ था, बॉडी को पता था कि इंसुलिन ने बनना ही नहीं, इंसुलिन हमारी बॉडी में है ही नहीं, तो इसलिए वो फैट्स को बर्न करने लग जाती है एनर्जी के लिए. इसमें फैट का बर्नआउट नहीं होता. बिकॉज विद लिमिटेड इंसुलिन दे कैन यूज इनफ ग्लूकोज टू प्रिवेंट किटोसिस, क्योंकि बॉडी को पता है कि इंसुलिन तो है कहीं ना कहीं, तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज तो थोड़ा सा चेंज हो ही जाएगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो सेल्स के अंदर चला जाएगा, ज्यादा नहीं तो. तो किटोसिस की कंडीशन तो प्रिवेंट हो जाती है, फैट्स की बर्न, फैट्स बर्न नहीं होते, फैटी एसिड्स या फिर किटोन्स हमारी बॉडी में नहीं एक्यूमुलेट होते. बट इतना भी नहीं, बट नॉट इनफ टू मेंटेन अ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल. लेकिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो उतना ही है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना है, 600 mg/dL से भी ज़्यादा चला जाता है इस कंडीशन में, किसमें, हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक नॉन किटोटिक सिंड्रोम में. तो इसलिए इसको क्या बोला है, हाइपर ओस्मोलर. हाइपर ओस्मोलर मीन्स कि जो ओस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है तो हमारा जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ज़्यादा थिक हो जाएगा. आप ये बोल सकते हैं अपने समझने के पर्पज से. लाइक अगर आप एक जो है नॉर्मल वाटर है और एक वाटर है जिसमें शुगर मिक्स है, तो अगर जितना आप शुगर डालते जाओगे उस वाटर में, उतना वो वाटर कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, उतना वो चिपचिपा और थिक होता जाएगा. तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइपर ओस्मोलर. हाइपर ग्लाइसीमिक मीन्स ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा. नॉन किटोटिक मीन्स किटोन इसमें नहीं रिलीज हो रहे टाइप 2 डायबिटिक में. इस कंडीशन में किटोन्स यूरिन में नहीं आते, फैट्स का बर्नआउट नहीं होता. नेक्स्ट हम चलते हैं कॉजेज और रिस्क फैक्टर पर. अब क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज के और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं. सबसे पहले ओवरवेट, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ये मेन रिस्क फैक्टर्स हैं. देन है कैन डेवलप इन पीपल हु आर नॉट ओवरवेट और ओबेसिटी. डेवलप ही हो सकता है उन लोगों में भी जो कि ओवरवेट या फिर ओबेसिटी नहीं है. जो ओवरवेट यानी फैटी या फिर ओबेसिटी नहीं है उनमें भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये हेरिडिटरी भी है, कहीं ना कहीं ये हेरिडिटरी भी है, जनरेशन टू जनरेशन भी ये हो सकती है. देन अगर फैमिली हिस्ट्री है आपकी या फिर आपके जीन्स, वही कंडीशन है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री या फिर जीन्स में है तो फिर ये डिपेंड नहीं करता कि आप ओवरवेट हैं या ओबेस हैं, तो ये टाइप डायबिटीज फिट या फिर थिन लोगों में भी हो सकती है. देन आता है हाई ट्राइग्लिसराइड. अगर आपके जो बॉडी है उसमें हाई ट्राइग्लिसराइड है, हाई जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं फैट्स का जो लेवल है वो हाई है, तो भी और कितना 250 mg/dL से भी अगर ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड लेवल है आपके ब्लड में तो भी ये हो सकता है. या फिर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता तो भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है. देन आता है एज. एज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ का एक रिस्क फैक्टर है. जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे वैसे वैसे रिस्क इंक्रीज होता जाता है, स्पेशली आफ्टर 45. देन आता है प्री डायबिटीज़ अभी हमने पढ़ा था. तो अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तो भी आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है अगर हम प्री डायबिटीज़ को ऐसे ही छोड़ दें, उसको ट्रीट ना करें और उस पर ध्यान ना दें. जेस्टेशनल डायबिटीज़, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर डायबिटीज़ है और अगर आपका जो बेबी है वो 4 kg से ज़्यादा, आप ऐसे बेबी को बर्थ देते हैं जिसका वेट 4 kg से ज़्यादा है, तो भी आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है इन फ्यूचर और आपके बेबी को भी हो सकती है. देन पुअर डाइट, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, हाई कैलोरिक डाइट है, फास्ट फूड है ज़्यादा, तो फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है. देन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी एक रिस्क फैक्टर है. देन आता है पैथोफिजियोलॉजी, कैसे होता है टाइप 2 डायबिटीज. सबसे पहले फैट, लीवर और मसल सेल्स डू नॉट रिस्पोंड करेक्टली टू इंसुलिन. तो इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन जो हमारे सेल्स हैं, कौन से, फैट के, लीवर के, मसल सेल्स जो हैं, ये इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मीन्स इंसुलिन को रिसीव नहीं कर रहे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज को. एज अ रिजल्ट, जिससे क्या होता है, ब्लड शुगर डज नॉट गेट इन टू सेल्स, क्योंकि अगर इंसुलिन सेल्स पर अटैच नहीं होगा तो जो ग्लूकोज है, जो ब्लड शुगर है वो सेल्स में
नहीं जा पाएगी, सेल्स अपने दरवाजे खोलेगा ही नहीं ब्लड शुगर के लिए और एनर्जी नहीं लेगा, जिससे क्या होगा, वेन शुगर कैन नॉट एंटर सेल्स हाई लेवल ऑफ शुगर बिल्ड्स अप इनटू ब्लड, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है ब्लड में और बॉडी अनेबल टू यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी, और बॉडी के पास एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है, ग्लूकोज को वह एज ए एनर्जी यूज नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम्स आ जाते हैं। आगे चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स पर। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या है डायबिटीज मेलाइटस के, तो ये आपको इस तरह से ध्यान देना है। सबसे पहले अगर मैंने वो एग्जांपल दिया था, एक आपके पास नॉर्मल वाटर है और एक आपके पास वाटर है जिसमें शुगर मिक्स है, तो शुगर वाला वाटर क्या होगा, ज़्यादा चिपचिपा होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा, ज़्यादा थिक होगा और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, राइट। तो सबसे पहली कंडीशन है पोलीयूरिया। सबसे थ्री मेन इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स हैं साइन एंड सिम्टम डायबिटीज मेलाइटिस के, वो है पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पोलीयूरिया होता है एक्सेसिव यूरिन, पॉलीडिप्सिया होता है एक्सेसिव थर्स्ट मीन्स प्यास लगना, पॉलीफेजिया होता है एक्सेसिव फूड मीन्स एक्सेसिव हंगर, ज़्यादा भूख लगना। तो पोलीयूरिया क्यों होता है, एन एक्सेसिव लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड लीड्स टू ग्लाइकोस यूरिया। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है तो यूरिन में भी ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, यूरिन में भी ग्लूकोज आएगा एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन। ग्लाइकोस यूरिया अपीयर्स व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस अबव 180 mg पर डीएल। जब 180 mg से पर डीएल से ज्यादा हो जाएगा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, तो यूरिन में ग्लूकोज नजर आने लग जाएगा, मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट में। एट दिस लेवल द किडनीज एबिलिटी टू रीअब्सॉर्ब ग्लूकोज एंड रिटर्न इट टू ब्लड स्ट्रीम इज इम्पेयर्ड। क्या होता है कि जो किडनीज है हमारी, सपोज ये किडनीज है, तो ये ब्लड में जो ग्लूकोज है, किडनीज क्या करती हैं यूजुअली, जो ब्लड में थोड़ा बहुत अगर ग्लूकोज आ जाता है तो उसको वापस से रीअब्सॉर्ब करके वापस से हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचा देती है, ब्लड में पहुंचा देती है। लेकिन अगर 180 mg पर डीएल से ज़्यादा हो गया है ग्लूकोज का लेवल, तो किडनी जो है ब्लड ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा है, ब्लड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से जो किडनीज है वो इसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी, और जो ब्लड है वो किस जो ग्लूकोज है वो किस में आएगा, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। द हाइपरटोनिसिटी, क्योंकि ये क्या हो गया है, हाइपरटोनिक स्टेट हो गई है ब्लड में, वही चीज़ जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर वाटर में सिरप जो हम शुगर है ज़्यादा मिला देंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक फॉर्म में क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड पुल्स फ्लूइड इनटू द वास्कुलर सिस्टम रिजल्टिंग इन पोलीयूरिया। और क्या होता है, क्योंकि अब ब्लड में क्या है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, तो ब्लड में ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ब्लड का जो स्टेट है वो हाइपरटोनिक है, इस जो भी सेल्स में जो फ्लूइड है वो वेसल्स ब्लड वेसल्स में शिफ्ट होने लग जाएगा, जिससे क्या होता है पोलीयूरिया, पोलीयूरिया की कंडीशन होती है। क्योंकि अगर जितना ब्लड जितना फ्लूइड होगा आपकी वेसल्स में, उतना ही किडनीज को फिल्टर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यूरिन का लेवल हाई हो जाता है, एक्सेसिव यूरिन आपको आता है, जिस कंडीशन को बोलते हैं पोलीयूरिया। सो एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन, द क्लाइंट एक्सपीरियंसिस यूरिनरी फ्रिक्वेंसी अकॉम्पनीड बाई इंक्रीज एक्सक्रीटेड यूरिन। तो पॉलीयूरिया क्यों होगा, सबसे पहले एक तो ग्लूकोज का लेवल यूरिन में इंक्रीज हो जाएगा, यूरिन में एक्सक्रीट होने लग जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है। सेकेंड थिंग, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है तो ब्लड क्या है, हाइपरटोनिक है, जिसकी वजह से जो वो फ्लूइड है वो अपनी तरफ खींचेगा, जितना भी फ्लूइड है हमारी बॉडी में वो ब्लड वेसल्स में आएगा और किडनीज को फ्लूइड ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा बॉडी से, जिससे हाइपर पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी, यूरिन ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी से, और इससे देखो किडनीज पर भी ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि किडनीज को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है अब, तो किडनीज रीनल फेलियर होने की कंडीशन भी हो सकती है लेटर लाइफ में। देन आता है पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया क्या है, एक्सेसिव थर्स्ट। अब जितना वाटर लॉस होगा बॉडी से, पॉलीयूरिया क्या है, यूरिन, एक्सेसिव यूरिन, तो एक्सेसिव यूरिन अगर बॉडी से जा रहा है, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी से, तो एक्सेसिव थर्स्ट भी आपको लगेगी। देन आता है
पॉलीडिप्सिया के कारण, एक्सेसिव थर्स्ट और पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिन लॉस्ट होने के कारण, फ्लूइड लॉस्ट होने के कारण क्या होता है, लॉस ऑफ स्किन टर्गर, जो हमारी स्किन की जो टर्गर है वो लॉस होगी, स्किन हमारी जो टेक्सचर है उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, स्किन वार्म फील होगी और ड्राई फील होगी। स्किन वार्म और ड्राई क्यों फील होगी, डिहाइड्रेटेड हो गई है बॉडी हमारी, क्योंकि यूरिन और फ्लूइड ज्यादा लॉस्ट हो गया है बॉडी से, तो डिहाइड्रेशन के ये साइंस है। देन है जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, जो म्यूकस है माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन, वो सारी ड्राई हो जाएगी। देन है वीकनेस और मलेस, क्योंकि एक तो हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही तो हमें थकावट फील होगी, मलेस फील होगा, वीकनेस फील होगी, प्लस डिहाइड्रेटेड भी हो गई है बॉडी। देन है रैपिड वीक पल्स एंड हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और वीक पल्स जो है वीक हो जाएगी, ये सारे डिहाइड्रेशन के साइंस हैं। देन आता पॉलीफेशिया, पॉलीफेशिया मीन्स एक्सेसिव हंगर, अब ज़्यादा भूख क्यों लगती है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही पड़ा हुआ है, सेल्स को तो कुछ मिला ही नहीं, सेल्स को तो एनर्जी नहीं मिली, तो हमारी बॉडी क्या सोचती है कि शायद हमने खाना ही नहीं खाया ढंग से, तो हम और ज़्यादा खाना करते हैं। वाइल द नीडेड ग्लूकोज इज बींग वेस्टेड, द बॉडीज रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूल कंटिन्यूज, तो बॉडी को क्या है, एनर्जी तो चाहिए ही, ग्लूकोज ब्लड में पड़ा है उसको कोई मतलब नहीं, उसको तो एनर्जी चाहिए, तो उसको लगता है कि और मेरे को और खाना चाहिए, तो इसलिए क्या होता है पॉलीफेजिया की कंडीशन, मीन्स पर्सन ज़्यादा खाता है, हंगरी फील करता है। देन आता है डिस्पाइट ईटिंग मोर और ही और शी लूजेज वेट एज द बॉडी यूजेज फैट एंड प्रोटीन टू सब्सटीट्यूट फॉर ग्लूकोज कॉजेस कीटो एसिडोसिस। सो ये टाइप वन की कंडीशन है, बेसिकली टाइप वन डायबिटीज मेलाइटिस की कीटो एसिडोसिस, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि जिसमें क्या है, बॉडी को अगर एनर्जी नहीं मिल रही तो वो फैट्स और प्रोटीन्स को बर्न करने लग जाता है, जिससे एसिड्स बनते हैं बॉडी में, कीटोन्स बनते हैं, जिसको बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। तो ये टाइप टू डायबिटीज में भी ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन वेरी अनलाइकली, लेकिन टाइप वन में ये होती हो, मतलब टाइप वन में तो ये होती ही है, टाइप टू डायबिटीज में ये हो सकती है। देन आता है वेट लॉस होता है, वेट लॉस बेसिकली टाइप वन में ही होता है, वीकनेस, थर्स्ट, फैटीग, डिहाइड्रेशन, ये सभी साइन एंड सिम्टम्स है डायबिटीज के, ये टाइप वन के हैं, ये जो वेट लॉस होना बेसिकली और कीटो एसिडोसिस, ये टाइप वन के हैं। टाइप टू में क्या होता है, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, टाइप टू में धीरे धीरे सिम्टम होते हैं, धीरे धीरे नजर आते हैं, लेकिन टाइप वन में सडनली और अब्रप्टली सडनली सिम्टम सीवियर हो जाते हैं। देन आता है इन्फेक्शन, अब एक चीज वो भी है कि अगर आपके ब्लड में शुगर का लेवल हाई होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बैक्टीरिया लव शुगर, बैक्टीरिया लव्स ईटिंग शुगर, तो जो भी बैक्टीरिया है वायरस है इनको शुगर पसंद है, तो यहाँ पर क्या है, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, राइट तो इन सब से क्या होता है, क्योंकि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। देन पुअर वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग, एक बार आपको चोट लग गई तो आपका जो वुंड है वो हील नहीं होगा अच्छे से, क्यों, एक तो ब्लड में शुगर का लेवल हाई है, ब्लड की जो टॉनिसिटी है वो हाई है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए भी हील नहीं होगा, फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न, अगर ब्लड में शुगर का लेवल हाई है तो ब्लड का जो फ्लो होना है, एक जो पानी है, पानी वाला ग्लास, सिंपल पानी वाला ग्लास क्या होगा, आप गेर दोगे आराम से पानी फ्लो होगा, एक पानी में जिसमें शुगर का लेवल बहुत हाई है वो आराम आराम से जाएगा, सो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, इसलिए पुअर वुंड हीलिंग अच्छे से नहीं होगा। देन है ब्लर्ड विजन, धुंधला भी दिखाई देगा, क्यों दिखाएगा, बिकॉज द हाइपरटोनिसिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स अफेक्ट द सेल्स इन लेंस एंड रेटिना, हमारे जो आईज के भी जो सेल्स और रेटिना है उनमें भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज ज्यादा है। देन है इंक्रीज रिस्क ऑफ वास्कुलर डिसऑर्डर, जैसे कि ब्लड वेसल्स कहाँ की, हार्ट की, अब हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है, इन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्यों, अब ब्लड में क्या है, ग्लूकोज का लेवल हाई है, अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई है तो वही बात है, ग्लूकोज क्या है, ब्लड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि शुगर ब्लड को क्या बनाएगी, चिपचिपा और कॉन्सेंट्रेटेड, गाढ़ा बनाएगी, तो अगर ऐसा होता है तो जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं वहां पर प्लेक की डिपोजिशन होने लग जाएगी, अगर प्लेक की डिपोजिशन होएगी
जो शुगर है वो बिल्डअप होने लग जाएगी कहाँ पर, वॉल्स पर, ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर. तो ब्लड वेसल्स क्या हो गई, नैरो हो गई, नैरो हो गई, उनमें प्लेक्स की डिपोजिशन हो गई, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई, क्लोट फॉर्मेशन हो सकती है, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस. सेरिब्रो वस्कुलर एक्सीडेंट हो सकते हैं अगर ब्रेन में ऐसा हो जाता है. सो ब्रेन में अगर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी अच्छे से तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, स्ट्रोक. सो वो कौन सी है, सेरिब्रो वस्कुलर एक्सीडेंट है, मीन्स हमारे जो ब्रेन की जो वेसल्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो गई है, जो हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है. पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज, हमारे जो आर्म्स हैं, लिम्ब्स हैं, हमारे जो हाथ पैर हैं, पेरिफेरल वेसल्स हैं, उसमें जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं पेरिफेरल, उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज आएगी. डिक्रीज एबिलिटी टू हील, जो हीलिंग की जो एबिलिटी है, पुअर वुंड हीलिंग होगी. रीनल फेलियर हो सकता है, रीनल फेलियर क्यों हो सकता है, पॉलीयूरिया की कंडीशन हो रही है. ब्लाइंडनेस हो सकती है, आई में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है. न्यूरोपैथी हो सकता है, हमारे जो नर्व्स हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है. तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ये होती भी हैं. अगर आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल नहीं होगी अच्छे से तो ये सभी कंडीशंस आती हैं. और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन जो है रिस्क पर है, और मैन में क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है. नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लिकेशंस पर. कॉम्प्लिकेशन मैंने पहले ही आपको बता दिया, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज में होगा, चेस्ट पेन हो गया, एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है अगर ब्रेन के किसी वेसल में क्लोट बन जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है, तो नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसकी वजह से क्या होता है, सीएडी, चेस्ट पेन होता है, एंजाइना होता है, हार्ट अटैक आता है. देन है नर्व डैमेज. नर्व डैमेज मीन्स न्यूरोपैथी, नर्व्स में प्रॉब्लम. एक्सेसिव शुगर जो है वो हमारी जो टाइनी ब्लड वेसल्स हैं, मीन्स जो कैपिलरीज हैं, उसको इंजर्ड कर देती हैं, उसकी वॉल्स को इंजर्ड कर देती हैं, नर्व्स की वॉल्स को इंजर्ड कर देता है एक्सेस शुगर, स्पेशली आपकी लेग्स में. क्योंकि लेग्स में क्या है, ग्रेविटी की वजह से एक तो ब्लड भी नीचे की तरफ रहता है लेग्स में, तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि लेग्स में जो ब्लड है उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है. दिस कैन कॉज टिंगलिंग. टिंगलिंग मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि सुन सुन फील हो रहा है, लाइक आपकी नर्व्स में कुछ टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, नंबनेस हो रही है, सुन हो रही है नर्व्स, बर्निंग और पेन जैसा फील होगा. यूजली ये आपके जो टोज हैं, ये आपका टोज है, यहाँ की टिप पर स्टार्ट होता है, फिंगर्स की टिप पर स्टार्ट होता है, टिप से फिर ये इधर की तरफ स्प्रेड होता है. अगर ये ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ये न्यूरोपैथी को अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप यू कुड लोज ऑल सेंस ऑफ फीलिंग इन द अफेक्टेड लिम्ब. अगर सपोज ये वाला अफेक्टेड लिम्ब है तो इसमें पूरे में सेंसेशन खत्म हो जाएगी, आपकी सेंसेशन नहीं फील होगी कोई उस लिम्ब में. डैमेज टू द नर्व्स रिलेटेड टू, क्योंकि नर्व से ही तो हमें सेंसेशन फील होती है, और अगर नर्व्स में ही प्रॉब्लम है तो आपको सेंसेशन ही नहीं फील होगी. और किस किस में, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की नर्व्स में प्रॉब्लम है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. और मेन में क्या हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि अगर पीनिस की नर्व्स में प्रॉब्लम है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा. देन है फूड डैमेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फूड डैमेज आपने बहुत पेशेंट में देखा होगा, डायबिटिक फूड, तो ये एक डायबिटिक फूड की इमेज है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो फिंगर है ये ब्लैक पड़ गई है पूरी. तो फूड डैमेज क्या होता है, नर्व डैमेज की वजह से इन द फीट और पुअर ब्लड फ्लो टू द फीट. अगर आपकी ब्लड फ्लो जो है फीट में, आपके पैरों में पुअर है तो क्या होगा, इंक्रीज द रिस्क ऑफ वेरियस फूड कॉम्प्लिकेशन. अगर लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या होगा, कट्स एंड ब्लिस्टर कैन डेवलप सीरियस इन्फेक्शन. एक तो कोई भी कट लग गया या ब्लिस्टर लग गया, एक तो वो हील नहीं होगा अच्छे से, हीलिंग नहीं होगी. अगर अच्छे से हील नहीं होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया आएंगे उस पर, क्योंकि शुगर है ब्लड में, बैक्टीरिया को तो बहुत पसंद है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, सीरियस इन्फेक्शन हो जाएगा, विच ऑफन हील प्रॉपरली. और ये अगर एक बार सीरियस इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है. दीज इन्फेक्शंस में अल्टीमेटली रिक्वायर्ड टो, फुट और लेग एम्पूटेशन. और ऐसा हो जाता है कि अगर आपकी पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है और ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई है, तो हो सकता है कि आपका जो फुट है या फिर आपका जो पूरा लेग है, जितनी स्प्रेड होगी कंडीशन
आपके जो लेग और फुट को काटना पड़ेगा, एम्प्यूटी करना पड़ेगा, एम्प्यूटेशन, बाकी आपकी बॉडी को बचाने के लिए. देन आता है किडनी डैमेज, नेफ्रोपैथी. तो किडनी डैमेज भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि अगर पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी, ब्लड में हर टाइम ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहेगा, तो किडनी में भी फेलियर हो सकता है, किडनी इंजर हो सकती है, और एंड स्टेज रीनल फेलियर हो सकता है, इरिवर्सिबल एंड स्टेज रीनल फेलियर. देन आता है आई डैमेज. आई डैमेज मीन्स रेटिनोपैथी. आई में कैसे होता है, डायबिटीज जो है रेटिना की ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर देता है, जिससे क्या कंडीशन होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिससे ब्लाइंडनेस हो सकती है या फिर कैटरेक्ट और ग्लूकोमा भी हो सकता है. डायबिटीज में लीव यू मोर ससेप्टिबल टू स्किन प्रॉब्लम. स्किन प्रॉब्लम ईजिली हो सकती है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इन्फेक्शन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ब्लड शुगर बहुत पसंद है, तो बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन ईजिली हो सकते हैं. हियरिंग इम्पेयरमेंट, आपकी जो हियरिंग है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी. एल्जाइमर डिसीज, एल्जाइमर्स डिसीज, सो इसको एल्जाइमर्स कहते हैं. एल्जाइमर्स डिसीज में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिमेंशिया. डिमेंशिया मीन्स आपका मेमोरी लॉस, मेमोरी आपकी इतनी शार्प नहीं रहेगी, फिर मेमोरी लॉस हो सकता है, जैसे कि अल्जाइमर डिसीज. अल्जाइमर डिसीज एक डिमेंशिया का टाइप है, वो हो सकता है. द पुअर योर ब्लड शुगर कंट्रोल द ग्रेटर द रिस्क अपीयर्स टू बी. जितनी पुअर आपकी शुगर होगी उतनी ही पुअर आपका मेमोरी होगी. देन है डिप्रेशन, अल्टीमेटली इट कैन लीड टू डिप्रेशन. देन आता है जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं. बेबी में पढ़ लेते हैं, ओवरवेट बेबी, जो बेबी है वो ओवरवेट हो सकता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्लेसेंटा से क्रॉस कर सकता है, और क्या कर सकता है, विच ट्रिगर्स बेबीज पैंक्रियाज टू मेक एक्स्ट्रा इंसुलिन. और अगर वो प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाता है ग्लूकोज, तो वो बेबी के पैंक्रियाज को बोलेगा और ज़्यादा इंसुलिन बनाओ, जिससे क्या होगा, बेबी ज़्यादा लार्ज हो जाएगा. मैक्रोसोमिक बेबीज बोलते हैं जिसको, मैक्रोसोमिया. वेरी लार्ज बेबीज मोर लाइकली टू रिक्वायर अ सी सेक्शन, और सी सेक्शन मीन्स सिजेरियन सेक्शन आपका होगा, देन नॉर्मल नहीं होगा. देन है लो ब्लड शुगर. अब बेबीज में एक और कंडीशन हो सकती है, समटाइम्स बेबीज ऑफ मदर विद जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप लो ब्लड शुगर. कई बार जो अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज है तो बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो लो हो जाएगा. क्यों, शॉर्टली आफ्टर बर्थ, बिकॉज देयर ओन इंसुलिन प्रोडक्शन इज हाई. क्योंकि जैसे ही बेबी मदर जो है बेबी को डिलीवर करेगी शॉर्टली आफ्टर बर्थ, बेबी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है हाई हो जाएगा. क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हुआ था, बेबी में इंसुलिन का लेवल हाई हो गया था, लेकिन जैसे ही बेबी मदर से अलग होगा, मींस डिलीवर हो जाएगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कट हो जाएगी, प्लेसेंटा से जो कनेक्शन है वो हट जाएगा, तो बेबी का, क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन तो हाई हुई ही हुई है, जो बेबी की शुगर है, अब ये हाई इंसुलिन क्या करेगी, बेबी की शुगर को कम कर देगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है. इसको हम सही कैसे करते हैं, एकदम से फीडिंग करवाकर बेबी को इंट्रावेनस ग्लूकोज सॉल्यूशन दे सकते हैं हम बेबी को. और जो टाइप 2 डायबिटीज है, वो बेबीज ऑफ मदर हु हैव जेस्टेशनल डायबिटीज हैव अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज लेटर इन लाइफ. क्योंकि वो बच्चे जो एक जेस्टेशनल डायबिटिक मदर से डिलीवर हुए हैं, उनको लेटर इन लाइफ बाद में क्या होगा, ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है. देन आता है डेथ. कुछ बच्चों की डेथ भी हो जाती है अगर जेस्टेशनल डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो, या फिर शॉर्टली आफ्टर बर्थ, या फिर बिल्कुल बर्थ के बाद, अगर क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अगर बर्थ के बाद डेवलप हो जाती है बेबी में, तो बेबी की डेथ भी हो सकती है. देन है प्री एक्लेम्पशिया. मदर में क्या कंडीशन हो सकती है, प्री एक्लेम्पशिया. इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है मदर में, एक्सेसिव प्रोटीन यूरिन में आते हैं, स्वेलिंग हो जाती है लेग्स और फीट में. प्री एक्लेम्पशिया से क्या होता है, कैन लीड टू सीरियस और इवन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन टू बोथ मदर एंड बेबी. देन आता है सब्सिक्वेंट जेस्टेशनल डायबिटीज. अगर एक प्रेगनेंसी में मदर का जो डायबिटीज है, डायबिटीज हो गई थी, तो चांसेस है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी मदर को डायबिटीज हो जाए, या फिर मदर को लेटर अपनी लाइफ में डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं. सो दिस वॉज द पार्ट वन. नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, जिसमें हम डिटेल में इंसुलिन के टाइप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी टॉपिक, अलग से भी आ जाता है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.